अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी आपसे अपनी रूटीन शेयर की जाए और जो मेरी शॉपिंग थी वो भी आपको दिखाई जाए। आपको पता है गैस का कितना ज़्यादा इशू चल रहा है हमारे पूरे पाकिस्तान में, तो बस आज गैस तो बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना कि ओवन में जो है वो चाय बनाने की ट्राई की जाए, क्योंकि 2-3 दिन से चाय नहीं पीती नाश्ते में और बहुत ही ज़्यादा उसकी तलब हो रही थी। तो फिर मैंने कहा क्यों नहीं ट्राई किया जाए, तो बहुत ही बेहतरीन चाय बनी। आपको पता है हम लोग देसी लोग जो हैं वो मग ही यूज़ करते हैं, हम कप्स में चाय ना जो है ना, हमें 1 कप तो कभी भी इनफ नहीं होता। तो मैंने ये मग लिया, उसमें दूध पत्ती और थोड़ा सा शुगर डाली और जो है ना ओवन में मैंने इसको रख दिया, तो ये 3-4 मिनट में बन गए। और वाकई में इसका फ्लेवर इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, जैसे कोई टी बैग हो और आपने इसे केटल में बनाया हो, इस तरह का कुछ फ्लेवर आ रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर था, बहुत ही यमी चाय बनी। तो नाश्ते में आज जो है ना चाय के साथ मैंने सिंपल चपाती और लिया चने वगैरह, क्योंकि गैस नहीं था तो सारा कुछ ही बाहर से ही अरेंज हो रहा है अब तक, तो दोपहर का खाना से लेके सुबह के नाश्ते तक हर चीज़ बाहर से ही अरेंज हो रही है। तो फिर चने वगैरह और थोड़ी सालन भी मंगवा ली मैंने, बैंगन की सालन और चने, और साथ में चपाती के साथ थोड़ा मैंने नाश्ता किया और यम्मीएस्ट चाय, तो बहुत ही मज़ा आ गया। उसके बाद मैं आपको जो है ना दिखाऊंगी अपनी जो मैंने शॉपिंग की, और एथनिक से जो मैंने शर्ट बाय की थी सेल पे, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब वो घर पहुंची उसका कलर बिल्कुल ही अजीब सा फेंट सा हो रहा था, और उसके अलावा एक्स्ट्रा स्मॉल भी मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ज़रूर चेंज करा लेना चाहिए। तो जो पहले पार्सल मुझे रिसीव हुआ, जिसे मैंने चेंज कराया, एक्सचेंज कराया, तो वो अब जब मुझे रिसीव हुआ तो तब मैंने वीडियो शूट कर ली थी, मैंने कहा क्यों नहीं आपसे भी शेयर की जाए। तो फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो शर्ट जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और एक तो मसला इसका ये था कि बहुत ज़्यादा खुली थी, हालांकि ये बहुत ज़्यादा खुली थी, हाँ स्मॉल साइज़ था, मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाना चाहिए था, बहुत ज़्यादा लूज़ थी ये। तो मैंने कहा कि अगर समर आर्टिकल्स अच्छे प्राइस पे मिल जाए तो क्यों ना बाय कर ली जाए, लेकिन फिर ये मुझे बहुत लूज़ थी तो मैंने सोचा कि चेंज करा लूँ। जब मैं आउटलेट पे गई उनके, तो फिर मुझे ये पीस तो वैसे ही नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, और इसके अलावा फिर मैंने एक और शर्ट बाय कर ली, तो जनाब ये है वो ड्रेस जो वो जो कि ये मैंने है। एक्सचेंज कराया है, वो आप वीडियो देख चुके हैं जो मुझे पार्सल रिसीव हुआ था। तो ये है शर्ट एथनिक की जो उसकी जगह मैंने एक्सचेंज करा के ली है। तो ये बिल्कुल जेट ब्लैक है और इस पे ग्रीन सी है, क्या कह सकते हैं आप इसको, जैकर्ड बना हुआ है। तो ये इसका गला है बिल्कुल गोल राउंड, और इसमें पट्टी लगी हुई है जो कि ओपन होती है सिर्फ यहाँ तक। उसके बाद ये ऐसे इस पे टेसल्स हैं, और साथ में जो है ना लूप्स बटन आप कह सकते हैं ये लगे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने फ्लैश लाइट जो है ना वो ऑफ कर दी है, कुछ इस तरह से इसकी लूप्स बटन है अटैच, बहुत ही खूबसूरत से ब्लैक एंड ग्रीन में, और ये बटन है जिस पे पर्ल्स जो हैं वो लगे हुए हैं। कुछ इस तरह से ये है फ्रॉक, और इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन इस तरीके से है, ये देखिए इसमें ये डोरी सी बनी हुई है, पाइपिंग या जो भी आप इसे कह लें, साथ में ये चौड़ी पट्टी 1 इंच जितनी ये पट्टी है, और साथ में इस पे थ्रेड से या आप कह लें एंकर थ्रेड से ना इस पे ये स्टिचिंग हुई हुई है, तो ये बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे रही है बाजू। ये फ्रॉक है, वैसे पैनल्स हैं इसमें अटैच, ये देखें यहाँ इसकी पैनल्स में यहाँ कलियाँ डली हुई हैं, आप देख रहे हैं 3 कलियाँ इसमें डली हुई हैं, 1, 2 एंड 3, थ्री थ्री जो है ना वो पैनल्स इसमें अटैच हैं। ये इस तरह से कुर्ता स्टाइल में ये स्टिच है, और ये नी लेंथ तक है, नीचे से ये बिल्कुल सिंपल है इसका बॉर्डर, और पहने हुए ये ब्लैक कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर मैं आपको इसको दूर से दिखाऊं तो, कैमरा अब फोकस कर रहा है, मेरे पास हैंग करने की कोई और जगह नहीं थी तो लैंप के साथ ही मैंने इसे ठहरा दिया, बहुत ही लाइट इस पे ज़्यादा वो हो रही थी रिफ्लेक्ट।
बहुत ही प्यारा सोबर सा इसका कलर है और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये पहने हुए कुर्ती। और अगर मैं आपको इसकी प्राइस दिखाऊं तो अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, इसका टैग भी नहीं उतारा। एक्चुअल प्राइस थी इसकी 4,490 अप्रोक्सीमेट, 4,500। और अब ये जनाब मुझे आई थिंक हाफ पे मिली है, 50% ऑफ पे, तो 25 की मुझे ये पड़ी है या 24, इस तरह कुछ पड़ी है ये मुझे, आई थिंक इससे भी कम। तो ये जनाब थी मेरी शर्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।